हेलो एवरीवन वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन तो कैसे हैं आप सभी तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयु ज्ञात करना पशुओं की आयु तो अब आप देखिए पशुओं की आयु किन किन तरीकों से ज्ञात की जाती है तो सबसे पहले अब आप ये चीज देखिए कि पशुओं की जो औसत आयु होती है वो बीस से तेईस साल होती है तो औसत आयु की यदि मैं बात करूं वो कितनी होती है से वर्ष अब देखिए कि पशुओं के जन्म का कोई देखो कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं तो हमें इसकी जो आयु ज्ञात करने के लिए क्या है कि कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं जैसे कि सबसे पहला जो तरीका आता है वो आता है पशुओं की शारीरिक दशा तो पशुओं की हम जो है शारीरिक दशा को देखकर भी जो है एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये पशु ज्यादा उम्र का है या कम उम्र का है यही दूसरा तरीका आता है सिंग सिंग द्वारा सिंग को भी देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि पशु की उम्र कितनी है फिर तीसरा तरीका आता है हमारे पास वो आता है खुर को देखकर कि हम जो है पशु के खुर देखें उसके हुफ देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि उसकी आयु ज्यादा है या कम है और चौथा जो तरीका आता है वो आता है दांतों द्वारा तो हम पशु के जो है दांत देखकर भी एक अनुमान लगा सकते हैं तो ये चार तरीके हैं जिनसे पशु की आयु का निर्धारण किया जाता है एक बार फिर से देखिए कौन कौन से तरीके हैं तो यहाँ पहला जो तरीका है हमारे पास वो है शारीरिक दशा द्वारा फिर उसके बाद आता है सींग द्वारा और तीसरा हमारे पास आता है खुर द्वारा हम उसके हुफ देख भी जो है पता लगा सकते हैं और लास्ट जो आता है हमारे पास दांतों द्वारा अब आप देखिए कि इसमें सबसे सटीक तरीका कौन सा है जिससे हम जो है ये पूर्णता अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी एज कितनी होगी तो वो आता है हमारे पास दांत ठीक है दांतों द्वारा ही हम पूर्णतः अनुमान लगा सकते हैं कि इस पशु की उम्र कितनी होगी हाँ इसमें भी जो है अप्रॉक्स मैं कहूँ तो छ महीने का जो हेरफेर है वो रह ही जाता है ठीक है एकदम एग्जैक्ट एक तो नहीं पता चलती पर हाँ फिर भी छह महीने का अगर मैं कहूँ तो ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत तो अब अगर बात करें हम पहले तरीके की पशुओं की शारीरिक दशा तो यहां देखिए इसके भी कुछ एक पॉइंट्स हैं तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं अब आप देखिए पशुओं की दशा यदि देखेंगे तो आप इसमें सबसे पहले क्या चीज देखेंगे आप देखेंगे आंखें झील सी गहरी आंखें ठीक है तो पशुओं की जो आंखें होंगी आप देखिए यदि उसकी उम्र कम है तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होगी ठीक है ग्लोइंग होगी शाइनिंग हो शाइनियर होगी तो अब यहाँ मैं लिखूँ चमक और यदि उसकी उम्र ज्यादा है तो यहाँ वो चमक भी हमें कम दिखाई देनी दिखेगी ठीक है और यहाँ यदि मैं दूसरा तरीका दूसरा पॉइंट इसमें देखूँ तो वो आती है हमारे पास त्वचा तो स्किन के द्वारा भी हम जो है एज का पता लगा सकते हैं क्यों क्योंकि जैसे जैसे अब आप देखिए हम ह्यूमन्स में भी देखें तो जैसे उम्र कम होती है तो जो स्किन होती है वो टाइट रहती है खिंची हुई रहती है और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे स्किन जो है वो लूज़ होने लगती है ठीक है तो यहाँ भी क्या होगा स्किन कैसी होगी वो होगी एकदम कसावट के साथ एकदम टाइट रहेगी ठीक है और यदि एज ज़्यादा होगी तो वो ढीली होनी स्टार्ट हो जाएगी और जो तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है हम सींग को भी देखें सींग में हम क्या देखेंगे सींग में देखिए उसके जैसे पशु तीन साल का होता है तब उसमें पहली वल्य पहली रिंग आती है उसके सींग पर और फिर उसके बाद वो साल दर साल हर एक साल जो है वो आती रहती है तो अब इसमें देखिए कुछ जो पशु विक्रेता है वो क्या करते हैं रेग मार्क रेती से इससे क्या करते हैं वो उसकी रिंग हटा देते हैं जिससे आप एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते तो एक ये तरीका हो गया सींग द्वारा तो इसमें क्या होती है इसमें वल्य बनती है पहली जो वल्य होगी वो तीन साल बाद आएगी ठीक है तो अब आप यहां से काउंट करेंगे जितनी भी जो वल्य होगी जितनी भी वो रिंग होगी उसमें आपको दो ऐड करना है फिर उसके बाद अगला जो तरीका आएगा वो आता है चौथा इसमें क्या देखोगे आप देखोगे थन जब आप थन देखोगे तो थन में भी स्किन का ही पार्ट है तो आप देखोगे यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि वो टाइट होंगे और मध्यम आकार के होंगे ज्यादा बड़े नहीं होंगे ठीक है एकदम मध्यम आकार के होंगे और यदि पशु की उम्र ज्यादा है तो वो कैसे होंगे वो होंगे लूज लटकते हुए होंगे और यहाँ जो हमारा पांचवा पॉइंट आता है इसमें वो आता है स्वभाव तो आप पशु के स्वभाव से भी अंदाजा लगा सकते हो इसकी उम्र ज्यादा है या कम है जैसे छोटे बच्चे जो हमारे घरों में होते हैं वो ज़्यादा चंचल होते हैं ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो थोड़े से सुस्त होने लग जाते हैं तो ऐसे ही पशुओं के साथ भी है कि यदि उनकी उम्र कम है तो वो कैसे होंगे वो होंगे फुर्तीले और यदि उनकी उम्र ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सुस्त रहेंगे तो ये थी पशुओं की शारीरिक दशा देख जो है एक अनुमान जो लगाया जा सकता था उसके कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ रखे हैं मे भी आपको समझ आ चुके होंगे एक बार मैं इसे फिर से रिवाइज कर देता हूं तो ध्यान से सुनिएगा तो पशुओं की यदि हमें शारीरिक दशा से अंदाजा लगाना है उसकी उम्र का तो यहां हमारे पास कुल पाँच पॉइंट है उसमें सबसे पहला है आंखें तो आंखों से हम अनुमान लगा सकते हैं यदि कम उम्र है तो आंखों में एक अलग चमक दिखाई देगी आपको और यदि उम्र ज्यादा है तो वैसा सु और चमक जो हमें नहीं दिखाई देगी त्वचा की बात करेंगे तो यहां त्वचा भी कैसी होती है त्वचा यदि उम्र कम है तो टाइट होगी यदि उम्र ज़्यादा है तो त्वचा कैसी होगी ढीली होगी और यहाँ भी शाइन होती है उनकी त्वचा में ठीक है और यदि सींग की बात की जाए तो सींग में जो वल्य है जो रिंग है वो तीन साल में एक बार आ, पहली बार आती है और फिर वो साल दर साल आगे बढ़ती रहती है और आगे आती रहती है नई नई वल्य है. कुछ विक्रेता उसको रेगमार्ग के द्वारा वो जो है घिस उसकी उम्र कम बताने की कोशिश करते हैं पर हमें इससे नहीं वो ध्यान नहीं देना हमने बचना है फिर उसके बाद आते हैं थन थन भी कैसे होंगे वो कसावट के साथ और मध्यम आकार के होंगे और यदि उम्र ज्यादा होगी तो वो कैसे हो जाएंगे वो हो जाएंगे लूज और लटकते हुए हमें दिखाई देंगे <coughs> फिर आता है स्वभाव तो स्वभाव कैसा होगा यदि उम्र कम होगी तो फुर्तीला होगा यदि उम्र ज़्यादा होगी तो पशु सुस्त होगा तो ये हमारा पहला पॉइंट था मे भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ठीक है तो यदि इसमें दूसरा देखें तो खुर देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं दूसरा हमारा था खुर जो होफ है उनको भी देखकर हम अंदाजा लगाएंगे अंदाजा किस तरह लगाएंगे कि जैसे उम्र बड़ी होगी उम्र बढ़ी हुई होगी ज़्यादा उम्र का पशु होगा तो उसके जो खुर हैं उनका आकार भी बढ़ता जाएगा वो एक ऐसी अच्छी स्पेसिफिक शेप में नहीं होंगे ठीक है उनमें चमक भी नहीं होगी और कुछ विक्रेता वही आजकल देखिए सबसे बड़ी बात मैं इसमें बताऊं कि अगर पशु आपने खरीदना है या आपको उसकी उम्र का अनुमान लगाना है तो वो हर किसी के बस की बात नहीं होती ये एक स्पेशलिस्ट जो होता है वही पता लगा सकता है इसके बारे में ठीक है जिसको पूर्णतः जानकारी हो इन सभी चीज़ों की वही पता लगा सकता है नहीं तो लोग मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से जो है इसमें उनकी उम्र कम दिखाने की कोशिश करते हैं और यहीं देखिए अब दूसरा पॉइंट है खुर जब उम्र कम होगी तो खुर होंगे मध्यम छोटे आकार के चमकीले होंगे शाइन होगी उनमें एक अलग पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो खुरों का आकार भी बढ़ता जाता है तो यहाँ जो विक्रेता है वो क्या करेगा वही रेगमार्क का उपयोग करके उनमें ये शाइन लाने की कोशिश करेगा ठीक है तो ये भी जो है एकदम परफेक्ट वो नहीं है जिससे हम अनुमान लगा सकें तीसरा आता है सींग जिस पर हमने अभी चर्चा की है तीन साल में पहली वल्य आएगी और इस वल्य के अनुसार क्या होगा साल दर साल आती रहेगी पर यहां क्या होगा कि जो विक्रेता होगा वही रेगमार्ग का उपयोग करके उसकी वल्य जो है कम कर देगा जिससे कि हमें यह लगेगा कि उसकी आयु कम है फिर यहां जो चौथा जो पॉइंट आता है जिससे हमें एकदम परफेक्ट एकदम एग्जैक्ट पता चलता है वो होते हैं दांत अब देखिए चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो चाहे गाय हो चाहे भैंस हो उनका जो मुंह के अंदर जो दांतों का जो आ, क्राइटेरिया है जो उनका रोक दो <laughs> अगला जो हमारा पॉइंट है वो है दांत ठीक है सबसे एकदम एग्जैक्ट यही बताता है पर प्रॉपर एक मैं बोलूं कि ये भी नहीं हो पाएगा इसमें क्योंकि इसमें भी छः एक महीने का तो अंतर आप मान के ही चलो इतना तो आएगा ही आएगा ठीक है तो अब दांत कौन कौन से हैं इसमें अब ये देखिए सबसे पहले आते हैं कर्तनक जिसे इंसीजर बोलते हैं जो काटने वाले दांत होते हैं दूसरा टाइप आता है या चर्णक तीसरे हैं कील दांत ठीक है तो ये देखिए कर्तनक कर्तनक हो ही काटने वाले तो ये जो हैं अब आप यहाँ से देखिए कि कितने होते हैं तो ये होते हैं चार जोड़ी मतलब आठ हो गए ठीक है और ये जो है मान लीजिए कि आप जन्म से जब जन्म हुआ है उसी समय ये दो तो आ ही जाते हैं फिर उसके बाद ये एक महीने के अंदर ये कंप्लीट आ, आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है अगर चर्णक भी जो है एक महीने में आ जाते हैं और जो चवरणक हैं इनको आने में जो देखिए इस चुवर्णक में क्या होता है कि चुर्णक जो है टोटल हम देखें तो ये अगर चोर्णक और चुर्णक दोनों मिलाकर ये होते हैं बारह जोड़ी ठीक है तो ये बारह होते हैं। और इसमें जो चवर्णक है ये आते हैं छ महीने के अंदर आने ये स्टार्ट हो जाते हैं फिर आते हैं कील दांत तो कील दांत की यदि मैं बात करूं तो ये होते हैं नुकीले वाले दांत ठीक है ये नुकीले वाले दांत और ये जो है गाय भैंस भेड़ बकरी इनमें नहीं होते तो ये किन में होते हैं तो ये होते हैं कुत्ते में होते हैं बिल्ली में होते हैं सूअर जंगली सुअर ये जो है इनमें हमें देखने को मिलते हैं पर ये गाय भैंस भेड़ बकरी में ये नहीं होते फिर उसके बाद आता है चौथा पॉइंट जो कि क्या है हमारे पास डेंटल पैड जिससे दंत्यु पुर भी कहते हैं दंतीपुर ठीक है तो दंतीपुर में शायद याद ना रहे आपको नाम इसलिए डेंटल पैड ठीक है तो ये क्या होता है ये होता है ऊपर का जबड़ा यहाँ होता है और ये जो होता तो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टफ़ टिश्यू का बना हुआ होता है क्योंकि ये जो पशु होते हैं इनमें नीचे वाले जबड़े में आपको दांत देखने को मिलेंगे ऊपर वाले जबड़े में क्या होता है कि ऊपर वाले जबड़े में आपको सिर्फ चुवर्णक दांत ही देखने को मिलेंगे तो और अब यहां एक चीज और देखिए जो चर्णक और अगर चवर्णक के जो दांत हैं इनको बोला जाता है चिक टीथ ठीक है चिक टीथ बोला जाता है और यदि मैं हिंदी में बोलूं तो कपोल दांत तो यहाँ तक मैं भी आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ दांतों को तो अब आप यहाँ देखिए कर्तनक हमारे पास कितने हैं टोटल आठ हैं अग्र चूर्णक और चुर्णक हमारे पास छः छः के पेयर में हैं तो बारह हैं यहाँ ये चार का पेयर था और जो अग्र चूर्णक चूर्णक है इनको चिक टीथ भी कहा जाता है कपोल दांत भी कहा जाता है और फिर आता है हमारे पास लास्ट डेंटल पैड दंत्यपुर अब आप देखिए कि ये इनकी संख्या है यदि यहाँ ये कम होती है तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती ठीक है और यही कुछ एक तरीके हैं जिनसे आप उम्र का पता लगा सकते हो और पाँच वर्ष की आयु के बाद जो है ये घिसने शुरू हो जाते हैं ये और बकरी में तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से घिसने लगते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू